हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर आपने खुद ये न्यूज़पेपर पढ़कर देख लिया होगा। अब बोलोगे कि जब न्यूज़ आपने पढ़ ही ली तो ये वीडियो क्यों देखने के लिए आए हो? क्योंकि आपको फैक्ट बताया जाएगा कि इस पर कितना खुश हुआ जा सकता है और कितनी गलत फहमियाँ पाली जा सकती है इस न्यूज़पेपर के कटिंग को देखकर। इसके बारे में बात करेंगे और जो भी और इस पर अपडेट आएगा वो भी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsinghat@gmail.com पे मेल कर सकते हो आप मुझे। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। देखिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। जिन्होंने जेटेट पार्ट ए पार्ट बी यानी कि 1 to 5, 6 to 8 साइंस हो SST हो, वो पेपर आप ले सकते हो। ओनली 70 रुपीज़ में आपको ये पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा विथ आंसर की। जिन्हें लेना हो वो ले सकते हैं, मेरे दाल रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो मत खरीदिए। आपको ज़रूरत नहीं है खरीदने की, मत लीजिए। अब आते हैं इस पे। 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ, ये क्या बातें कही जा रही है इस न्यूज़पेपर में और इस पे कितना खुश हुआ जा सकता है? देखिए, हेमंत सोरेन बिल्कुल मोदी जी के पद चिन्हों पे चलते हैं। मोदी जी जो जो करते हैं, हेमंत सोरेन ठीक उसी का अनुकरण करते हैं। ये अगर एक छोटा सा काम करेंगे ना, अपने घर में अगर ये घास की भी कटिंग करवाएंगे तो वो अपने ट्विटर, फेसबुक सब जगहों पे डालते हैं मोदी जी की तरह। इन्होंने भी है अपने आप को एडवर्टाइज करना जो है सीख लिया है। किसने? यही हेमंत सोरेन जी ने। तो इतनी बड़ी खबर है ये, तो इसे बढ़ा चढ़ा कर फेसबुक ट्विटर वगैरह पे डाल सकते थे ना कि चलो हम लोग जो है सीटेट वाले को भी जो है मान्यता दे रहे हैं झारखंड में। ऐसा इन्होंने कहीं भी नहीं शेयर किया है, याद रखिएगा। इन्होंने एक बार ट्विटर पे शेयर किया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इन्होंने बोला था ना, अन्याय नहीं होने देंगे। आई होप कि इनकी बात सच हो जाए। लेकिन ये बात उन्होंने ट्विटर पे शेयर करी, लेकिन उसके बाद इन्हीं के शिक्षा मंत्री टाइगर महतो उर्फ जगन्नाथ महतो उर्फ 12वीं फेल मंत्री, जिन्होंने बार बार बिल्कुल ही बेवकूफ़ी और निहायत ही घटिया बयान दिया कि सिर्फ टैट पास वाले को ये भर्ती कराएंगे, ये इन्होंने बार बार ये बातें कही है। तो खैर, यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर में क्या दिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में संशोधन लाएगी। इनका कहना है कि ये संशोधन लाएंगे जिससे जो सीटेट पास झारखंड के लोग हैं वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात है, इस पहल का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी राय रखी जाए तो मैं कहूँगा सीटेट को मान्यता देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल इस, आप अगेंस्ट में मेरे हो सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में डिसएग्री कर सकते हो आप, देर इज़ नो प्रॉब्लम। अब बोलोगे कि तुमने शायद सीटेट पास नहीं किया है। मैं आपको बता दूँ, मैं 3 बार एग्ज़ाम दिया हूँ, 3 बार मैंने दोनों पेपर क्लियर कराए विथ गुड जो बोलते ना डिसेंट मार्क्स के साथ, एक्सलेंट मार्क्स के साथ पास किया है। तो वो इल्ज़ाम मत लगा देना आप नीचे कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सीटेट को मान्यता नहीं देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार जेटेट को जो है एक बार जेटेट करा लिया जाए, क्योंकि जो नए लड़के हैं पिछले 1-2 सालों में जिनका हुआ है वो भी एग्ज़ाम दे पाएँ, सारे लोग इसमें दे पाएँ। पुराने पारा टीचर जो हैं या फिर कोई भी इंसान जो किसी भी मामले में चूक गया है, आफ्टर ऑल ये वैकेंसी झारखंड की है, सेंट्रल की नहीं है। तो अगर सरकार चाहे तो मैं तो कहूँगा कि आप एक बार जेटेट कंडक्ट करा लीजिए और एग्ज़ाम ले लीजिए, जिनसे सबका भला हो जाए। वो बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो बीजेपी का नारा है, बट एक्चुअल में होना चाहिए कि सभी का साथ सभी का विकास। जेटेट करा ले, अगर सरकार नहीं चाहती है कि ये देर हो बहाली में तो ठीक है, आप सीटेट ले आइए। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जेटेट ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर नहीं हो सकता है कुछ भी तो ही सीटेट को मान्यता देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है, अगर आप सीटेट को मान्यता देना चाहते हो तो सीटेट लिख दीजिए। अगर आप डायरेक्ट चाहते हो कि कोई सीटेट जेटेट ना हो, डायरेक्ट बहाली हो, वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप नीचे सीटेट जेटेट जेटेट मेंस लिखना चाहते हो ज़रूर लिखिए। डेमोक्रेसी में आपकी बात, हमारी बात, सबकी बात सुनी और समझी जानी चाहिए। एग्री डिसएग्री होना आपके हाथ में है, आपके बस में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।